और आ जाओ सर। सर प्लीज पैसेंट का युद्ध हुआ था तो हम जंगल में युद्ध के लिए गए थे, तो वहाँ युद्ध किया हमने दुश्मन के पोस्ट में और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर हमारी जीत हुई। और उसमें हमको जाते सबसे पहले है कि गोली आई जो कि मेरे सीने से टकरा के गई, उसने मेरे को बहुत परेशान कर दिया, सांस फूलने लगा मेरा। सबसे कमांडर ने मुझसे कहा था कि विड्रॉल करो, मैंने कहा नहीं अभी मैं चल सकता हूँ। फिर मैं आगे को बढ़ा तब तक फिर एक गोली और आई जो मेरे सिर के ऊपर लगी, तो उससे मैं बेहोश हो गया वहाँ पर। उसके बाद जब मुझे कोई होश आई तो पर्सनल वहाँ पर कब्जा करने का ऑर्डर नहीं था, वो पोस्ट दुश्मन का बर्बाद करने का ऑर्डर था, बर्बाद करके पर्सनल वापस आए। हाँ हम जब होश में आए तो पर तब तो वापिस जा चुके थे, तो हम वहीं पड़े रहे कुछ देर। दूसरे दिन सवेरे वहाँ से हम चले तो उजाला हो गया था, धूप भी आ गई थी, हमने सोचा अब हम जो है दुश्मन के हाथ पड़ जाएंगे। खैर ऊपर की देन थी जो कि हमें कुछ नहीं हुआ और हम भूले भरते रास्ते से अपने इंडू तक पहुँच सकते। वहाँ से इंडू ने हमको पूछताछ की और हमें उसके बाद हॉस्पिटल दे दिया। मैं सर 41-63-356 हवलदार गोपाल सिंह SM 71 लड़ाई में सत्र कुमार के हिस्सा लिया। 10 दिसंबर 71 को हमको भदौरिया क्रॉसिंग ढाका में एक धान की मेल के नीचे ले आउट कर दिया गया। टेस्ट मेरे बगल में MMG वाला जवान था, इस पर गोली लगी तो मैं बच गया, वो मर गया। उसके बाद जो है हम 7 दिन कीचड़ में रहे, कि पूरा हमारा आगे का जो शरीर था गल गया था। 10 तारीख को जब एक्सपायर हुई तो हमारे 108 आदमी की कैजुअलिटी एक्सपायर हो गई थी, जिसमें मेजर जोगिंदर सिंह था, कर्नल SC पांडे, उस समय हमारे कमांडिंग करते थे PC बनकुटिया, जो आज वो भी एक्सपायर हो गए हैं। और हमें ये एक दिन बड़ा गर्व से याद करना पड़ता है कि हम उस पलटन के हैं जहां हमने भाग लिया था। आज के दिन हम अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को और फील्ड मार्शल मनिक शॉ को बहुत याद करते हैं, जिनकी साहस, जिनकी प्रेरणा, जिनकी दूरदर्शिता और जिनकी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में भारत कामयाब रहा, बांग्लादेश का गठन हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में हम 71 की लड़ाई को देखते हैं। भारत के वीर सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा गया। आज अपने भारत के उन वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं और जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करके देश की रक्षा में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में अपना सहयोग प्रदान किया, उनको हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और आज के दिन में उनको याद करते हैं।